And at this point, remember, the farmers have said to the proposal that was sent in by the government that without limitation, for the next 5 years, we will have an MSP on pulses, maize and other crops, including the cotton crop. And we will have that agreement for 5 years and we'll take an MSP on that. But for some reason, the farmer groups took about a day and have rejected that proposal. They have said there is no clarity, we are not taking up, we are not convinced, and that means we will now mobilize further and march toward Delhi, which means has the fourth round of talks also now turned inconclusive. Farmer leaders, interestingly, have now said Haryana authorities are using force against them to stop them, and whatever happens, if there are consequences to this, government will be responsible. Farmers have, while rejecting the proposals, there's an interesting reaction that is coming in from other leaders as well. Listen into that. कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए हैं। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जुम्मेवार होगी, और हम आशा तो करेंगे। अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पर डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है, और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा के अंदर शासक पार्टी है, उसके दफ्तरों के ऊपर विरोध प्रदर्शन और पुतले जलाएंगे, और उसका कारण ये है कि हरियाणा की सरकार को ये कोई अख्तियार नहीं है कि वो लोगों के रास्तों को बंद करे। असंवैधानिक का गैरकानूनी तकलीफ दे रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से सड़कों पे आने जाने का सबका अधिकार है, और जो भी कुछ शांतिपूर्वक किसानों के ऊपर, चाहे वो आंसू गैस के ड्रोन के हिसाब से किया हो या रबर बुलेट के हिसाब से, वो घोर रूप से हम 11 तारीख से उसकी निंदा कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। सरकार बनाने तो पहले पंजाबियों नाल वादा किया सी कि केंद्र भावे MSP दे ना दे, 23 फसलों के उत्ते MSP सूबे की सरकार देगी। अज क्यों तुसी कल्ले केंद्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जे केंद्र अपने किसानों को हक नहीं दे रहे तो फिर सूबे की सरकार ने थोड़ा वादा एक बारी नहीं कई बारी तुसी ये वादा किया है। सो मैं किसान यूनियनों भी कहांगे कि केंद्र के उत्ते जरूर दबाव, लेकिन आप सूबे की सरकार तो क्यों नहीं मंग रख रहे? जेडे कहंदे सी कि भावें मूंगी होए ओदी MSP होए, 23 फसलों की MSP होए, तो जिहड़ा काम केंद्र नहीं कर रहा उस सूबे की सरकार क्यों नहीं कर रही? आप इन्हां तो भी मंगिए।